आज का आइटम है पोटल असा, ये पोटल, ठीक है, ये देख सकते हैं पोटल ऐसा काटा गया है, उसको फ्राई किया है इसमें, अभी पोटल बन चुका है, पोटल फ्राई, उसके बाद ये आलू फ्राई हो रहा है। अभी ये बन चुका है, अभी निकालेंगे इसको। ऑयल गर्म हो चुका है, साल्ट, चीनी, प्याज, प्याज पक चुका है, रेड हो चुका है, देखिए अभी अदरक डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा स्वाद अनुसार नमक, टमाटर, इसको अच्छे से पेस्ट करेंगे, पूरा पेस्ट बन चुका है, और थोड़ा बनाएंगे इसको। अभी मसाला डालेंगे, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर एक चम्मच डाला, धनिया पाउडर एक चम्मच, मिर्ची पाउडर दो चम्मच, चिकन मसाला, गरम मसाला, मिक्स करेंगे, दालचीनी पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा हल्दी पाउडर एक चम्मच डाल देना। नमक स्वाद अनुसार डाल दिया, ठीक है, अभी इसको थोड़ा अच्छे से बनाएंगे मसाला। इसके बाद ये जो बना के रखे हैं आलू और पोटल, इसको बन चुका है, अभी इसमें मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा कसाना पड़ेगा 10 मिनट के लिए, ऐसे कसा के छोड़ देंगे। पोटल कुर्मा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पोटल कुर्मा, पोटल पोटल, शेयर सब्सक्राइब लाइक। ये अभी ये कस बन चुका है, और थोड़ा सा पानी डालेंगे बनाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा पानी मत डालना, थोड़ा सा पानी डाल देना, और इसको 10 मिनट के लिए बैठा देना, पानी जैसा नीचे मसाला नहीं लगे ऐसा, ठीक है। अभी करी बन चुका है, पोटल कुर्मा,
तो अभी इसको निकालेंगे। और कैसा लगा हमारा जो पोटल कुरमा, ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।